कंट्रोवर्सी ना क्रिएट करूं। सर ऑब्वियसली बात है 30 ईयर एनिवर्सरी आपकी हो चुकी, तो हमने कहा क्यों ना 40th एनिवर्सरी के लिए हम चूज करना चाह रहे हैं कि कौन शो स्टॉपर हो। अब उस शो स्टॉपर के लिए आपने एक सिलेक्ट करना है, एक रिजेक्ट करना है। वो आपकी दोस्ती के ऊपर रिजेक्शन हो सकती है, या वो कोई ऐसा बंदा हो सकता है जिसने आपका जोड़ा लिया अभी तक वापस नहीं किया। आपका मैनेजर हंस रहा है, इसको पता। बहुत सी ऐसी सेलिब्रिटीज है जिन्होंने आपके जोड़े अभी तक वापस नहीं किए, तो आप उन्हीं की बेसिस पे अब ये सिलेक्ट करेंगे। तो आइए चल के देखते हैं माइंड द मॉडल। और दो शो स्टॉपर्स आपके सामने आ चुकी हैं, एक सानिया मिर्जा है और एक दमीराज। इन दोनों में से किस खातून को आप अपना शो स्टॉपर बनाना चाहेंगे और किसको कहेंगे बाय बाय सॉरी डार्लिंग? मैं तो बहुत बुरा मेरी हमेशा ये ख्वाहिश रही है कि हम अपने पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को आगे प्रमोट करें, बिकॉज आई थिंक हमारे पड़ोसी मुल्क में वो लोग ये नहीं करते। तो हम क्यों अपने पड़ोसी मुल्क को आगे करें जो वो हमें नहीं कर रहे हैं? और क्योंकि मीरा, जो आप मर्जी उनके बारे में कह रहे हैं, वो एक बोनाफाइड स्टार हैं। उन्होंने अपना नाम जो है वो मेहनत से कमाया है, उन्होंने बड़ी मेहनत की है, ना सिर्फ यहाँ मगर पूरी दुनिया में लोगों को उनको जानते हैं। एंड इसलिए मैं हर गिज सानिया नहीं मगर मीरा को प्रेफर करूंगा। द मीरा इट इज फाइनल। बिल्कुल जी फाइनल। द मीरा इट इज गोइंग टू बी द लाइमलाइट ऑफ द 40th एनिवर्सरी। लेकिन आगे देखते हैं क्या आपकी नियत अभी तक मीरा पे रहती है या देखते हैं। अब बताइए, थोड़ा फंसेंगे आप? नहीं, फंसने वाली बात ही नहीं जी, यहाँ तो एक आंसर बड़ा सिंपल है। सबा की मैं बहुत इज्जत करता हूँ। सबा एक ना सिर्फ बेहतरीन एक्ट्रेस है, मगर बहुत बेहतरीन इंसान भी है। वाकई सबा ने हमेशा दोस्ती निभाई है, और मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि एक दिन मैं कभी सबा के साथ कोई फिल्म करूँ तो डेफिनेटली सबा। मीरा जे, इट इज द एक्सक्यूज मी, सबा ने आके मैदान मार लिया। सबा ने आके 40th एनिवर्सरी का मेन जो शो स्टॉपर है वो ले लिया। और मीरा जी का अब आपको फोन आएगा इसके बाद। मीरा जी माइंड नहीं करेंगे आई थिंक। मीरा जी वैसे मेरा नहीं, ये न्यूज चैनल है, ऐसे नहीं कहते होते, ऐसे कहते हैं। नाजरीन जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया, हम उनको बताते चले कि मीरा जी को अब इन्होंने शो स्टॉपर नहीं रखा, सबा जी को रख लिया। अगला देखते हैं कि क्या अभी तक सभा में कायम रहेंगे या नियत बदल जाएगी। सर सर सर, द आइकॉन बाबरा शरीफ, वन एंड ओनली द क्वीन, द क्वीन सर बाबरा शरीफ। सर ये अब देखें, अब मैं ये मेरी टीम की गलतियां हैं। मैंने सिर्फ कहा था तस्वीरें चूज करें, वो उन्होंने बाबरा शरीफ एक आइकॉन से भी बढ़ के हैं। अरे क्या बात, वो एक लेजेंड है। क्या बात, आप एक लेजेंड को और एक सुपरस्टार को कंपेयर नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। बाबरा शरीफ के को शो स्टॉपर नहीं होना चाहिए, बाबरा शरीफ के ऊपर पूरी कलेक्शन बननी चाहिए। ये क्या बात, इसी वजह से वो शेर हुआ। बाबरा जी बड़ी खूबसूरती से, इतने खूबसूरत अल्फाज से आपको रिजेक्ट किया गया है। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं कहता हाय क्या बात, मैं रिजेक्शन पे ही खुश हूं। भाई जान आगे आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। मैं बहुत तेज है ये शो के, मैं देख रहा हूं एनर्जी क्या है। भड़काऊंगा फोन कुछ दोस्तों को, क्या बात कर रहे हैं ये शो वाला, ये जरा डिफरेंट अहमद है। अगला देखते हैं, अगला अगला कौन है? जान मेरी को स्टार, मेरी यार, इसको नाराज कर दिया तो बहुत ही बुरा होगा। और एक जगह सबा है, एक जगह हयात है, क्या बात है यार, ये बहुत मुश्किल है। मैं बहुत कम लोगों को सुपरस्टार समझता हूँ। मेविश, सबा, माहिरा, माया, मावरा, यू नो दीज आर बिग नेम्स, एंड वन एस, इनके बीच में चूज करना बहुत मुश्किल है। बिकॉज ये इनकी, ये नहीं कहूंगा कि ये परफॉर्मेंसेस इक्वल हैं, इनकी स्ट्रेंथ इक्वल है। दे ऑल ब्रिंग देयर ओन स्ट्रेंथ्स। जो मेविश की पुलिंग पावर है वो सबा की भी पुलिंग पावर है, वो किसी से। मगर मेविश बॉक्स ऑफिस पे इज बिगर, बिकॉज बॉक्स ऑफिस के ऊपर उसने जो हिट्स दिए हैं वो मेविश ने ज्यादा दी। तो मेविश इसमें हमें कुछ कह नहीं सकता, बिकॉज मुझे सबा बहुत पसंद है। मगर मेविश के साथ ऑल टॉप ऑफ दैट मैं आपको बताते चलूंगा, मैंने फिल्म की है। मेविश की जो मेरी दोस्ती हो गई थी ना फिल्म के बाद, वो मुझे लगता है कि अब इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं अगर मेविश मेरा आगे हो तो मैं मेविश से, ऑब्वियसली मेविश से ही कहूँ। हाँ, से मेविश हयात। तो मेविश हयात इज लॉक्ड सर। अगला देखते हैं मेविश में रहते हैं या अपनी नियत बदलते हैं। HSY,
There is no comparison. Mm-hmm. There is only one Shan Shahid. There will always be only one Shan Shahid. There will be only one big superstar like Shan Shahid. Shan Shahid is the king of pop culture for us. आप उसको आज देख लें, उसको 20 साल पहले देख लें, उसको 30 years पहले देख लें. क्या बात? Shan Shahid is Shan Shahid. I love Mehvish, but for me, Shan is the ultimate star. So Shan. Shan. Oh. शान आपने चूज कर लिया और शान पे ही रहेंगे देखते हैं महवेश जी जा रही हैं जी महवेश जा रही हैं महवेश जी खुदा हाफिज फिर मिलेंगे ओ हम दिल दे चुके सनम मैं जा रहा हूँ मुझे लग रहा है मुझे लग रहा है अब आप फर्स्टली आप ये स्क्रीन देखें अब ये स्क्रीन देखें आप खूबसूरती देखें आप स्टार पावर देखें शान और रीमा ये ऐसी जोड़ी अब तक कहीं बनी है जी क्या नहीं नहीं बनी पाकिस्तान सिनेमा के अंदर सुल्तान राई अंजुमन उसके बाद शान और रीमा ऐसी कोई जोड़ी नहीं बनी क्या बात ऐसा ही है तो ये तो एक नाइंसाफी होगी किसी ब्रांड पे कि अगर उसको ऑप्शन मिले इन दोनों की तो इन दोनों से शो स्टॉपिंग ना करो हाउएवर मैं ये जरूर कहूंगा रीमा की और मेरी जिस तरह की दोस्ती है वो इस तरह की है जैसे कि भाई बहन की है मैं वो मेरी लिटरली फैमिली की तरह है और रीमा की मैं ये दो दाद दूंगा दो शान से मैंने बहुत कुछ सीखा मगर मैंने शान को कभी इस तरह टेस्ट नहीं किया कि यार मेरे लिए तू ये कर दे ये कर दे ये कर दे क्योंकि मैं उनको बहुत सीनियर समझता हूँ मगर रीमा को मैं कभी भी कुछ कहूँ कि रीमा आप मेरे लिए शो कर दें आप यहाँ से फ्लाई ओवर करके मेरे लिए शूट कर दें ये कर दें तो उन्होंने हर चीज और क्योंकि हमेशा लॉयल्टी को साथ लॉयल्टी का साथ देना चाहिए तो मैं पिक करूंगा रीमा को मैं एक चीज मानता हूँ मैंने आपको बड़ी कर्व बॉल्स दी हैं और बड़ी टफ चॉइसेस दी हैं अभी तक हम लोगों ने बड़े कम मेहमानों को इतनी टफ चॉइसेस जो गुफ्तगू हम बाद में करेंगे जी बेसिक बाद में करेंगे मुझे लगता है 40th एनिवर्सरी भी नहीं आने वाला मगर आपने इतनी खूबसूरती से और इतनी इंटेलिजेंटली उनको हैंडल किया कि मेरे नहीं ख्याल कि किसी का भी सिवाय एक के आपको फोन आएगा तो दो आएंगे अब दो आएंगे रीमा जी को हमने सिलेक्ट कर लिया है फॉर द फाइनल फिनाली लेकिन एक हमारे पास तस्वीर रहती है नहीं अब वो देखते हैं क्या शायद शायद यू नो नीयत बदल जाए कुछ पता नहीं कुछ पता नहीं वैसे मेरे तो ख्याल है कि रीमा तक जाएं मेरा ख्याल है रीमा तक ही ये रहेंगे अच्छा हां मगर देखते हैं लास्ट तस्वीर अब हुमायूं सही ये चालाकी की है सर इसने चालाकी की है इसने अच्छा नहीं किया मेरे साथ थैंक यू थैंक यू ये अच्छा नहीं किया आई थिंक बच्ची इज द कल्प्रिट हुमायूं सही एक तरफ जिन्होंने आपको फिल्में भी चांस दिया है फिल्म में हेल्प भी की है हुमायूं सईद इज माय फेवरेट बहुत इज्जत करता हूं हुमायूं की तो ये तो बहुत टफ है तो इस वक्त मैं ये कहना चाहूंगा आई वुड लाइक टू चूज टू पीपल टू वर्क टुगेदर हैं नहीं आई कांट डू दैट कैन आई नो